लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित किया गया है दोपहर 2 बजे के लिए, लेकिन अब किस तरीके की प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। सुबह से देख रहे हैं जिस तरह से ऑपोजिशन लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश कर रहा है, हायतौबा मचा रहा है कि जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, जीएसटी रेट कोई भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है या हमारी सरकार बढ़ाती है? जीएसटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट्स को, और पूरे चर्चा के बाद उसको डिसीजन लिया जाता है, सभी के सहमति से डिसीजन पास होता है। ये पूरे डिसीजन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी या ऐसे और बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अंदर में वो पूरे तौर से सहमति के साथ सहमत रहते हैं इस डिसीजन में, वो चर्चा करते हैं और पास करते हैं, लेकिन बाहर में आके वो राजनीति करते हैं। सर, विपक्ष ही हमलावर नहीं है, जनता से जाके पूछ के देखिए ना। लेकिन जनता को क्या कर दिया हमने? हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, कांवड़ यात्रा नमाज में उलझा दिया, बुलडोजर लाउडस्पीकर में उलझा दिया। तो जनता को पेट पर लात पड़ रही है, लेकिन आपने माइंड हाईजैक करवा लिया, माइंड को पोलराइज कर दिया। सरकार को लग गया है कि मैं कुछ ना करूं, रोजगार पे बात ना करूं, महंगाई पे बात ना करूं, मैं फिर भी चुनाव जीत सकता हूं, हम फिर भी चुनाव जीत सकते हैं। सवाल ये कि आज यू टर्न लेते हुए आपने जो जीएसटी उनके ऊपर इस देश के गरीब लोगों पे ठेली है, अब तो 2 जून का रोजी रोटी भी आप नहीं खा सकते, चावल नहीं आप खा सकते, आप दही नहीं ले सकते। सवाल ये कि इस देश का 80 करोड़ से ऊपर की तादाद जो किसानी करती है, जो फसल उगाती है, अब उसी को अगर आटा और जो है चावल खरीदना हो तो उसे केंद्र सरकार की जीएसटी देनी पड़ेगी। ये एक गरीब विरोधी, आम जनता की विरोधी, नरेंद्र मोदी की अधिनायकवादी, ये उनका एक्शन है।